आजकल रीमेक का नाम सुनकर ही ऑडियंस चिढ़ जाती है और बॉलीवुड का इतना बुरा टाइम आने के पीछे भी कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण रीमेक ही थे। बॉलीवुड रीमेक बनाने की मशीन बन गया था। मेक उसको लग रहा था कि उन्हें बस एक तरफ से रीमेक डालने हैं और दूसरी तरफ से मशीन से पैसे निकालने हैं और इसलिए पैसे के चक्कर में ये लगातार साउथ की घटिया फिल्मों की हिट रीमेक हिट फिल्मों के घटिया रीमेक बनाते जा रहे थे। अब भला ऐसी घटिया सिचुएशन में ऑडियंस कब तक सब्र रखती, और इसलिए आखिरकार 2022 में ऑडियंस की तरफ से जवाब आ ही गया। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। A few moments later. देखो यार, मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड ने रीमेक में बहुत हगा है, लेकिन उसी बॉलीवुड ने कुछ ऐसे भी रीमेक बनाए हैं जो ओरिजिनल फिल्मों से भी बेटर है, या फिर हम इन्हें परफेक्ट रीमेक कह सकते हैं। और इन्हीं फिल्मों की आज हम बात करने वाले हैं। उनमें से कुछ फिल्मों को तो तुम शायद अभी तक ओरिजिनली समझते हो। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड की टॉप 7 ऐसी फिल्मों के बारे में जो ओरिजिनल से बेटर बनी है या फिर परफेक्ट रीमेक है और पब्लिक द्वारा इन्हें अभी भी पसंद किया जाता है। नंबर 1, भूल भुलैया। 2007 में आई साइकोलॉजिकल कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल मूवी थी। इसे क्रिटिक्स के काफी अच्छे रिव्यू मिले थे और 2007 में यह 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी थी। लेकिन भूल भुलैया 1993 में बनी एक मलयालम फिल्म मनीची प्रथाजू का ऑफिशियल रीमेक है। क्या अजीब नाम है ना। इस ओरिजिनल वाली भूल भुलैया में मोहन लाल शोभना के साथ सुरेश गोपी भी थे। इस फिल्म में नागवल्ली उर्फ आज की मंजुलिका का रोल करने के लिए शोभना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म इतनी हिट थी कि इसके 4 रीमेक बने थे। कनाडा में अब था मित्रा, तमिल में चंद्रमुखी, बंगाली में राजमहल और हिंदी में भूल भुलैया के नाम से। लेकिन दोस्तों यकीन मानो, भूल भुलैया इन सभी रीमेक में से बेहतर है और ओरिजिनल फिल्म से भी कई गुना बेटर बनी है। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इसे बॉलीवुड टच दिया है। इसकी कॉमेडी और सीरियसनेस को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि भूल भुलैया ओरिजिनल फिल्म से ज्यादा पसंद की गई। अक्षय कुमार का वो फिजिसिस्ट का किरदार और विद्या बालन का मंजुलिका वाला किरदार दोनों को आज भी पसंद किया जाता है। और अभी जब इसका स्टैंड अलोन सीक्वल आया था तो लोग नाराज हो गए थे कि अक्षय की जगह कार्तिक को क्यों लिया गया, और मेरे हिसाब से कार्तिक आर्यन इस रोल को जस्टिस भी नहीं दे पाए। अगर तुम इस फिल्म को ध्यान से देखोगे तो साफ साफ उनमें अक्षय कुमार की झलकी दिखती है। भैया झगड़ा तो माता है मारे अंदर। नंबर 2, बाजीगर। एक ऐसी मूवी जिसने काजोल और एसआर के दोनों के करियर को बदल कर रख दिया। इस फिल्म में पहली बार एसआर के एक एंटी हीरो के रोल में नजर आए थे और लोगों को उनका ये रोल इतना पसंद आया था कि उसके बाद एसआर के कई फिल्मों में एज एंटी हीरो नजर आए थे और सभी फिल्में हिट गई थी। वैसे बाजीगर 1991 में आई हॉलीवुड फिल्म अ किस बिफोर डाइंग का अनऑफिशियल रीमेक थी, पर कई मायनों में इसको हूबहू कॉपी पेस्ट किया गया था। हालांकि उस समय के हिसाब से बाजीगर एक परफेक्ट रीमेक थी जिसने ना सिर्फ ऑडियंस का दिल जीता बल्कि बॉलीवुड को एक ऐसा सुपरस्टार भी दिया जिसने अगले 30 सालों तक दुनिया भर में बॉलीवुड को एक मुकाम हासिल करके दिया है। बाजीगर ने 4 करोड़ के बजट में 32 करोड़ कमाए थे, यानी आज के हिसाब से करीब 230 करोड़। लेकिन मैंने इसे सिर्फ अपने बॉक्स ऑफिस हिट के लिए ही एक परफेक्ट रीमेक नहीं कहा है, बल्कि इसका सस्पेंस, परफेक्ट स्टोरी, स्क्रीन प्ले, अमेजिंग साउंड ट्रैक और सभी स्टार कास्ट का बेस्ट परफॉर्मेंस इसे एक कल्ट क्लासिक फिल्म बनाता है। वैसे क्या तुमको पता है कि जिस फिल्म का बाजीगर रीमेक है वो भी एरा लेविंस की 1953 में आई नोवेल अ किस बिफोर डाइंग का अडेप्टेशन है। नंबर 3, मुन्ना भाई MBBS। बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS 1998 में आई हॉलीवुड फिल्म पैच एडम का रीमेक है, क्योंकि मुन्ना भाई बॉलीवुड के बेस्ट फिल्मों में से एक है। ऐसी फिल्म है जिसकी वजह से बॉलीवुड जिंदा है, और तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये बॉलीवुड का परफेक्ट रीमेक है। अगर ऐसे रीमेक बनेंगे तो कौन साला देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन मुन्ना भाई MBBS ना सिर्फ परफेक्ट रीमेक है बल्कि ये ओरिजिनल से भी बेटर है, और इसके लिए हम डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इन्होंने बड़े स्मार्टली इसे ओरिजिनल से बेहतर बनाया है। जावे पैच एडम में, पैच एडम एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कभी स्टडी करता ही नहीं और फिर भी उसे डॉक्टरी की सभी नॉलेज होती है और हर बार वो टॉप करता है। ये सभी चीजें बहुत ही इलॉजिकल है। वैसे टॉप तो अपना मुन्ना भी करता है, लेकिन राजकुमार हिरानी ने यहाँ पे उसे एक टपोरी दिखाया है जो प्रोफेसर रुस्तम को ब्लैकमेल करके फर्स्ट आता है। और ऐसे ही कई सारे कन्विंसिंग चेंजेस मुन्ना भाई MBBS में किए गए हैं, और साथ ही में इमोशंस कॉमेडी और मुन्ना सुमन की स्ट्रेंज लव स्टोरी, ये सभी चीजें तुम्हें ओरिजिनल फिल्म में नहीं मिलेगी, और इसलिए मुन्ना भाई MBBS ओरिजिनल से बेटर है और एक परफेक्ट रीमेक है। नंबर 4, ओ माई गॉड।
तो मानो या ना मानो, लेकिन फिल्मों का हमारी जिंदगी पर एक गहरा असर पड़ता है, और इसलिए जो फिल्में कुछ सीख देकर जाती है उनकी हमारे मानवीय समाज को बहुत जरूरत होती है। 2012 में आई OMG ने अंधभक्ति से दूर करने वाली सीख बहुत ही स्मार्टली लोगों तक पहुंचाई थी और काफी हिट भी हुई थी। इसने महज 60 करोड़ के बजट में 193 करोड़ कमाए थे। लेकिन ये 2000 में आई ऑस्ट्रेलियन कॉमेडी फिल्म द मैन हु सूद गॉड फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है, जो कि एक बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें एक अलग ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया था, पर हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि ओ माय गॉड इसका परफेक्ट रीमेक है। उमेश शुक्ला ने जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट को उठाकर इंडिया की करंट सिचुएशन पर फिल्माया है वो सराहनीय है। इंडिया में ये प्रॉब्लम हजारों सालों से चली आ रही है और बिना किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए जितने एंटरटेनमेंट के साथ इस प्रॉब्लम को फिल्म में दिखाया गया है वो OMG को एक परफेक्ट रीमेक बनाती है, और इसकी यही चीज ऑडियंस को बहुत पसंद भी आई थी। और इसके क्रेज को देखते हुए 2015 में तेलुगु में गोपाला गोपाला नाम से और 2016 में कन्नडा में मुकुंद मुरारी नाम से इसके रीमेक बनाए गए, और ऑनेस्टली ये दोनों ही ओ माय गॉड का मुकाबला नहीं कर पाए, ना क्वालिटी वाइज और ना ही बॉक्स ऑफिस पर। वैसे इसका स्टैंड अलोन सीक्वल भी अभी अभी रिलीज हुआ है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रहा है। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। नंबर 5 गजनी। 2008 में आई गजनी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये वही फिल्म है जिसके बाद हीरो से ज्यादा विलन का नाम फेमस हो गया था, गजनी। डायरेक्टर AR मुरुगदोस की तमिल फिल्म गजनी हिट हुई तो उन्होंने सेम इसी नेम से बॉलीवुड में आमिर खान के साथ मिलकर इसका रीमेक बना डाला, और आमिर की ये गजनी ना सिर्फ परफेक्ट रीमेक है बल्कि ओरिजिनल से ज्यादा बेटर भी है। गजनी 2008 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म थी, और यही नहीं बल्कि ये बॉलीवुड की पहली मूवी थी जिसने 100 करोड़ पार किए थे, और 3 इडियट आने तक गजनी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म भी थी बॉक्स ऑफिस के मामले में। मेकर्स ने इसे हिंदी ऑडियंस के नजरिए से बनाने के लिए इसमें और थ्रिल ऐड किया था, और आमिर खान ने जो गजनी का रोल प्ले किया था उसने ऑनेस्टली सूर्या के गजनी को फीका कर दिया। उन्होंने इस रोल को प्ले करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया। ये पहली फिल्म थी जिसमें आमिर ने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया था, और ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वैसे ये बहुत ही कम लोग जानती है कि तमिल गजनी भी फिल्म मेमेटो जो 2000 में आई एक नियो नॉर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म है का अनऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म को हॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया था, जिनकी फिल्मों का अक्सर दुनिया पर गहरा असर पड़ता है। अभी हाल ही में इनकी फिल्म ओपनहाइमर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। वैसे क्या तुमको पता है कि क्रिस्टोफर नोलन एक इंटरव्यू में डायरेक्टर AR मुरुगदोस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि भाई AR ने तमिल गजनी में उन्हें क्रेडिट नहीं दिया था। पर जो भी हो, मुद्दे की बात ये है कि गजनी एक परफेक्ट रीमेक है, और अगर तुम इन तीनों फिल्मों को देखोगे तो आमिर खान की गजनी ज्यादा बेहतर लगती है। हाँ, क्रिस्टोफर नोलन की गजनी तुम छोड़ ही दो, इन दोनों में कंपेयर करके देख लेना। नंबर 6 हेरा फेरी। 2000 में आई एक ऐसी फिल्म जिसके जोक्स, कॉमेडी और इवन पूरी कहानी आज भी मजा देती है, लगभग 22 साल बाद भी। तो ऐसा कहना भी पाप होगा कि हेरा फेरी एक परफेक्ट रीमेक है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कि ये बस एक परफेक्ट रीमेक नहीं है बल्कि ओरिजिनल से काफी अच्छी भी है। वो कैसे, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ना। हेरा फेरी 1989 में बनी मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का ऑफिशियल रीमेक है, और रामजी राव के 7 रीमेक बनाए गए हैं जिनकी लिस्ट तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होगी। मतलब भाई इस फिल्म की स्टोरी ही इतनी जबरदस्त है कि साला रीमेक की लाइन लगा दी, लेकिन इस स्टोरी में ऐसा क्या खास है? दरअसल ये कहानी जानी जाती है भारत के गरीब फैमिली के इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को ऑथेंटिक तरीके से दिखाने के लिए, लेकिन इसके साथ डायरेक्टर प्रियदर्शन ने हेरा फेरी को एक अलग वाइब दी जिसमें सिचुएशनल कॉमेडी, बेहतरीन डायलॉग्स और इन तीनों का बेहतरीन परफॉर्मेंस शामिल है, जिसने हेरा फेरी को कल्ट क्लासिक बना दिया। ये ना सिर्फ एक परफेक्ट रीमेक है बल्कि बेस्ट बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म ऑफ ऑल टाइम भी है। वैसे क्या तुमको पता है कि जिस मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग के हेरा फेरी के साथ और 6 रीमेक बने हैं वो एक्चुअली में 1971 का टीवी शो द मैन रन से इंस्पायर्ड है। साला अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि इस दुनिया में कुछ ओरिजिनल मिलता भी है या नहीं। इधर से तेरे को पीने का और आंगुली से धोने का और नहाने का पानी तेरे को मिलेगा, तू समझा ना? ये तो बहुत गहरा है। तो नीचे जाकर नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी बाहर निकालो कर इधर नहाने का। नंबर 7 शोले। सबसे पहले ये नाम सुन के कौन कौन शॉक्ड है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त जब शोले का नाम मेरे सामने आया था तो मेरे तो शोले बाहर आ गए थे। मतलब इंडिया की सबसे आइकॉनिक फिल्म एक रीमेक है? असंभव, असंभव। नहीं, एक्चुअली में हम इसे रीमेक नहीं कह सकते, पर यार इंस्पिरेशन कहना भी गलत होगा, क्योंकि हॉलीवुड की ऐसी 4 फिल्में हैं जिनके कई सारे सीन शोले में कॉपी पेस्ट किए गए हैं। अच्छा, तसल्ली के लिए ये देख लो।
अब मैंने शूलियो को इस लिस्ट में इसीलिए शामिल किया है क्योंकि इंस्पिरेशन लेकर फिल्म बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मैटर ये करता है कि आप उसका कितना अच्छा यूज करते हो। और शूलियो में रामेश शिप्पी ने इसका सही इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर तुम अब भी इसे गलत समझते हो तो मैं तुमको बता दूं कि बाहुबली के भी कई सीन हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर्ड है और हॉलीवुड की भी कई बड़ी फिल्मों में ऐसा होता रहता है। यही कारण है कि हमने वीडियो के बीच में भी कई ऐसी ओरिजिनल फिल्में देखी जो टीवी सीरियल या फिर नॉवेल से इंस्पायर्ड है या फिर किसी बड़ी मूवी से। क्योंकि दोस्तों सच्चाई तो ये है कि एक्चुअली में हम इंसान कभी कुछ नया बनाते ही नहीं, हर चीज को बनाते वक्त क्रिएटर्स कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं और ये विज्ञान भी कहता है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। और इसीलिए हमें ऐसे आइकॉनिक फिल्मों को कॉपी करके बदनाम नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो भाई लोग ये थे वो टॉप 7 परफेक्ट रीमेक जो रीमेक के इस बाजार में अपनी अलग दुकान लगाते हैं और इनकी कीमत अनलिमिटेड फन और एंटरटेनमेंट है। और हाँ, परफेक्ट रीमेक मतलब बॉक्स ऑफिस पर हिट होना ही नहीं है, बल्कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट रीमेक या फिर बेटर रीमेक वो होता है जो ओरिजिनल फिल्म से हटके ऑडियंस में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। मेकर्स इसको इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें पैसा छापना होता है, बल्कि राजकुमार हिरानी जैसे मेकर्स को उस कहानी के साथ अपना एक विजन दिखाई देता है जो एक रीमेक को अपना टच देकर उसे आइकॉनिक फिल्म बना देते हैं। और मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने के पीछे भी यही था कि मैं तुम्हें समझा सकूं कि रीमेक बनाना बुरी बात नहीं है, उसे बनाते वक्त मेकर्स का एक विजन होना जरूरी है। आजकल बस कॉपी पेस्ट किया जाता है, इसलिए फिल्में घटिया निकलती हैं, जबकि मेकर्स को उस कहानी को लेकर एक नई फिल्म बनानी चाहिए, ना कि बस कॉपी पेस्ट करना चाहिए। वैसे तुमको इसको लेकर क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इन 7 में से तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है ये भी बताना। और हाँ, साथ ही में मैं तुम्हें मेरी फेवरेट वीडियो सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि लेफ्ट वाली है, अगर चाहे तो देख लेना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।